हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलो आज हम लेसन नंबर 3 जो है ना वो समझने जा रहे हैं। तो लेसन नंबर 3 जो है वो कौन सा है, चलो कोई बताएगा मुझे। हेलो मैम, उसमें चुटकुले हैं। यस, जरा मुस्कुराइए इसका नाम है, और इसमें बहुत सारे हमें चुटकुले दिए गए हैं। तो चुटकुले का हम गुजराती में जोक्स कहते हैं, है ना। तो आज हम समझेंगे इस लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3, जरा मुस्कुराइए। तो हम सब भी जानते हैं कि हमारे जीवन में हास्य का कितना महत्व होता है। तो आज तो आप सबको पता होगा कि आजकल योगा कराते हैं ना, तो योगा में भी एक दो तीन मिनट के लिए सभी को जोर जोर से ठहाके लगा लगा करके हंसाते हैं, ताकि उनका मन प्रसन्न रहे और शरीर जो है वो तनाव से एकदम तनाव फ्री हो जाए, और सबकी उदासी चिंता वो भी एकदम से छू मंतर हो जाए। और हास्य जो है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए हंसना जरूरी है। तो जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है, और हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो आइए कुछ ऐसे ही चुटकुले पढ़े कि जो हमें मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो मैंने आप सबको बोला था कि आप सबको भी जोक्स या चुटकुले लिखकर आने हैं। सब लेकर आए? हेलो गर्ल्स। हाँ मैम। कौन लेकर आया है? मैम मैं लेकर आई हूँ, राबिया। राबिया देसा। महोदेसा राबिया। चलो और कौन लेकर आया? कोई नहीं। इल्मा। लिखे आई हो तुम? नहीं। क्यों? तुम फातिमा? हेलो हेलो वसाया कुम फातिमा? यस मैम। मैंने सबको बोला था ना बेटा, आप लिख कर आए? नो मैम। नहीं। खदीजा? खदीजा नो मैम। क्यों? मैम मुझे बुखार चढ़ रहा था ना, इसलिए मैंने नहीं किया। ओके, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? ठीक है? हाँ मैम ठीक है। ओके चलो, तो पहले हम इस लेसन की चुटकुले सुन लेते हैं, बाद में हम राबिया और मोहदेसा के चुटकुले सुनेंगे, बराबर है? बाद में इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो उसमें है पहला चुटकुला। एक मालिक और किराएदार दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मालिक जो है वो किराएदार से कहता है कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हो। तो किराएदार कहता है कि आपने ही तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। उसके बाद है नंबर 2। सोनू का सिर जो है वो फट गया था, तो सोनू जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर जो है वो सोनू से कहते हैं कि यह कैसे हुआ। तो सोनू डॉक्टर से कहता है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कील का मतलब क्या होता है? खिल्ली। आपने जे दीवाल में खिल्ली लगाड़ी है ने, हिंदी में कील कहेवामां आवे छे। तो एक आदमी ने मुझसे कहा कि गधे कभी खोपड़ी काफी इस्तेमाल किए लिया कर, तो इसलिए उसने खोपड़ी में कील ठोक दी। तभी उसके सिर से खून बह रहा था और उसका सिर फट जाता है। तो वो वाकई में ही गधा ही था, है ना। इसके बाद है कि एक अंकल जो है वो एक लड़के को
फोन करते हैं और कहते हैं कि जरा ऊंचा बोलना, तो वो तो क्या करता है, टीपोई के ऊपर टीपोई और उसके ऊपर टीपोई रखकर ऊंचे चढ़कर बोलता है। लेकिन उस अंकल ने क्या कहा था कि तुम ऊंचा बोलो, यानी कि जोर से बोलो। तो वो लड़का जो है वो कैसी मूर्खामी करता है कि टिपोई के ऊपर टिपोई और उसके ऊपर टिपोई रखकर ऊंचे चढ़कर बोलता है, और बाद में फिर भी वो अंकल को कहता है कि अब इससे ऊंचे होकर मैं नहीं बोल सकता। इसके बाद में एक पापा है, वो अपने पिताजी है, वो अपने बच्चे को पूछते हैं कि डब्बू इतिहास में तुम फेल क्यों हो गए। इतिहास का मतलब होता है सोशल साइंस, तो तुम इतिहास में फेल क्यों हो गए। तो उसका बेटा जो है वो डब्बू जो है वो बताता है क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो सोशल में तो ऐसे ही सवाल आएंगे इतिहास के। इसके बाद है एक मुन्ना जो है वो अपने पिताजी से बातें कर रहा था, तो वो कह रहा था कि पिताजी कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पिताजी कहते शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्लों की लाइट चली गई थी। तो वो मुन्ना कहता है कि सच में मैं तो पढ़ाई में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि लाइट चली गई है। इसके बाद है एक व्यक्ति जो है वो दूसरे से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो उनसे कहता है कि तुम इतने भूखे हो कि कागज पत्र भी खा जाते हो। डाक खाने का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, डाकघर, बराबर है। तो चलो अब कौन पहले सुनाता है, मोदेसा या राबिया? हेलो गर्ल्स। यस मैम। मैं पहले राबिया। राबिया ओके, चलो राबिया तुम सुनो। ओके मैम। लड़की ने बोला कि मम्मी पानी दे दो, तो फिर मम्मी ने बोला कि खुद से ले लो। फिर लड़की बोली कि दे दो ना मम्मी, तो मम्मी बोली कि फिर से मांगा तो थप्पड़ पड़ेगा। लड़की बोली जब थप्पड़ मारने आओगी तो पानी ले आना। मम्मी बेहोश होते होते बची। ओके चलो मोदेसा। यस मैम। एक बार एक टीचर ने उसके स्टूडेंट से कहा कि तुम जहाँ भी जाना यस यस कहना। वो जो लड़का था, वो जो टीचर था, वो एक केले की दुकान के पास आया। केले की दुकान के पास जाकर दुकान वाले ने कहा, शॉपकीपर ने कहा कि केले खाने हैं, तो यस यस। पर आइसक्रीम की शॉप पे गया, आइसक्रीम वाले ने कहा आइसक्रीम खानी है, तो यस यस। फिर एक बॉक्सर के पास गया, बॉक्सर ने कहा मुक्का खाना है, तो यस यस। तो बॉक्सर ने उसे जोर से मुक्का मारा, तो वो उड़ के फिर से टीचर के पास चला गया। फिर टीचर के पास आके कहता है कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ। फिर टीचर कहते हैं कि जहाँ जाना नो नो कहना। फिर केले वाले के पास गया तो नो नो, आइसक्रीम वाले के पास गया तो नो नो। फिर जब बॉक्सर के पास आया तो बॉक्सर ने कहा मुक्का याद है कल का, तो उसने कहा नो नो। तो फिर से एक मुक्का मारा, फिर से टीचर के पास गिरा। फिर जब भी वो टीचर को कहानी सुनाई तो कहा कि अब जहाँ भी जाना गुड गुड कहना। केले वाले के पास गया तो गुड गुड, आइसक्रीम वाले के पास गया तो गुड। फिर जब बॉक्सर के पास आया तो बॉक्सर रो रहा था। तो बॉक्सर ने कहा, स्टूडेंट ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो बॉक्सर ने कहा कि मेरी माँ मर गई। तो उस लड़के ने कहा गुड गुड, तो फिर से एक मुक्का मारा बॉक्सर ने। वेरी गुड। चलो और कोई बताएगा? मैं मेरे पास भी पति से कहती है अजी उठ जाओ। हेलो
हाँ चलो बताओ बेटा। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि अजी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। तो पति कहता है तो मैं कौन सा पतेली में सो रहा हूँ, बना लो ना। ओके वेरी गुड। चलो और कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ कौन? खदीजा। चलो बताओ। मैम एक बार एक डॉक्टर होता है, पेशेंट होता है, डॉक्टर पूछता है कि अभी तबीयत कैसी है। तो पेशेंट बोलता है पहले से भी ज्यादा खराब। तो डॉक्टर बोलता है दवाई खा ली थी। तो पेशेंट दवाई तो भरे ली थी। डॉक्टर अरे दवाई ले ली थी ना, दवाई तो आपने दी थी मैंने ले ली। अरे दवाई पी ली थी? नहीं आपने कहा था उस फ्रिज में रख देना, तो मैंने रख दी। अबे फिर दवाई को तो वो डॉक्टर बोलता है दवाई को पी लिया था। तो पेशेंट बोलता है नहीं आपने पी लिया तो मुझे था। फिर डॉक्टर बोलता है कि दवाई को खोल के मुंह में रख लिया था। तो पेशेंट बोलता है कि आपने तो कहा था कि दवाई को फ्रिज में रख दें। बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैम अब आ रही है? हेलो ज़ैनब तुम्हारी आवाज बेटा ठीक से नहीं आ रही। मैम अब आ रही है? हेलो हेलो हाँ बेटा हेलो हाँ मैम आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक से आ रही है। मैं बताऊं मौत कैसा? हाँ वेट बेटा अब ज़ैनब की खत्म हो जाएगा। डॉक्टर को गुस्सा आता है तो बोलता है तूने दवाई ली थी या नहीं। तो पेशेंट बोलता है नहीं। डॉक्टर बोलता है कि अभी क्या डांट खाएगा। तो फिर पेशेंट बोलता है तो पेशेंट बोलता है मैं तो यहाँ पे दवाई लेने आया हूँ। डॉक्टर बोलता है क्या अभी तो तुम मुझे पागल कर देंगे। तो फिर तो वो पूछता है कि पेशेंट फिर मैं कब आओ। तो डॉक्टर मेरे मरने के बाद। फिर पेशेंट पूछता है मरने के कितने दिन के बाद। ओके चलो वेरी गुड। चलो बता। एक बार एक लड़की बहुत खुश थी और स्कूल से वापस आते आते गाना गा रही थी। तो वो जब घर आई ना तो उसने वो गाना गा रही थी ना तो घर आते आते कहती है आज खाने में क्या बना है मम्मा। तो उसकी जो वो कहती है क्या चाहिए बोलो मिस ड्रामा। फिर जब उसका वो लड़की कहती है कि पास्ता। तो उसकी माँ कहती है कि वो देखो बाहर जाने का रास्ता। वेरी गुड। ओके चलो अब किसी के पास है कोई बताएगा? मैम मेरे पास है राबिया। इंसिया फातिमा। इंसिया हाँ चलो इंसिया तुम बताओ। ओके मैम। मैम एक लड़की थी वो एक बच्ची को ना 10 रुपए देकर कह रही थी मुझे कैटरी ना कहना। ओके वेरी गुड। चलो बताओ कौन? Yes, बेटा सादिया। सादिया ओके बेटा अभी राबिया एक बता देना बाद में तुम बताओ। ओके एक ट्रेन में दो लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो पहले ने बोला कि मोबाइल इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है। तो दूसरे ने पूछा कि वो कैसे। तो फिर पहले ने जवाब दिया अब मुझे ही देख लो 2 स्टेशन पीछे उतरना था। आगे निकल गया। वेरी गुड। ओके चलो सादिया बताओ।
मैम है ना, एक बार वो एक एक बुढ़ा और बुढ़ी है ना डॉक्टर के पास गए, तो है ना उस डॉक्टर ने दवाई दी ना, तो उसने बोला कि हिला 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 कर दवा पीना, तो है ना वो घर में गए ना, तो बुढ़ा ने ना बुढ़ी को हिला हिला कर बेहोश कर दिया, तो फिर डॉक्टर के पास गए, तो है ना डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ, तो वो बुढ़ा बोला कि आपने बोला ना हिला हिला कर दवा पिलाना, इसलिए मैंने हिला हिला कर पिलाई। ओके चलो और कौन बताएगा? मैं बोलूं मोदेसा। हाँ ओके चलो बताओ। मैं एक बार एक स्टूडेंट से कहा कि तुम्हें 1 to 10 नहीं आता तो तुम घर जाके सीख के आना, फिर वो घर गया ना तो उसने टीवी देखना चालू किया, तो पहले नंबर लगाया तो उसमें कुछ गाना आ रहा था, फिर दूसरा नंबर लगाया ना उसमें भी गाना आ रहा था, फिर तीसरा नंबर लगाया ना उसमें भी गाना आ रहा था, ऐसे करके सारे नंबर देख लिए, फिर जब स्कूल गया ना तो मैं भूल गई। ओके चलो याद करके बताना। ओके और कोई बताएगा? मैम मैं कहूँ का ना निपाते माँ। हाँ बताओ चलो बेटा। है ना एक बार एक आदमी ट्रेन में मुसाफरी कर रहा था, तो उसके सामने वाली सीट में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, तो बूढ़ी औरत ने बातों में पूछ लिया कि बेटा तुम कहाँ के हो, उस आदमी ने बड़े दुख से कहा कि अम्मा अब मैं कहीं का नहीं रहा क्योंकि मेरी शादी हो गई है। ओके चलो और कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ कौन बेटा? इनसे फाते में। हाँ चलो बता। एक आ, 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 मम्मी थे और पापा थे, तो मम्मी पापा से कहते हैं तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो, तो पापा ने कहा क्या हुआ क्या कर दिया ऐसा मैंने, तो मम्मी कहते हैं तुमने जो कल सिलेंडर लगाया था ना, तो पापा कहते हैं हाँ लगाया था, मम्मी कहते पता नहीं कैसे लगाया कि कल से 2 बार सब्जी जल चुकी है। सब्जी चलाने और सिलेंडर लगाने से क्या रिलेटेड है? ओके चलो फिर भी मम्मी जो है वो पापा का ही फॉल्ट निकालते है ना। ओके सबके घर में ऐसा होता है? हेलो नो मैम नो मैम अभी मैं सुनाऊं और देसा। हाँ चलो बता। मैम एक बार एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि होमवर्क क्यों नहीं किया, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि क्योंकि लाइट चली गई थी ना कल, इसलिए। तो टीचर ने पूछा कि कल लाइट चली गई थी तो अगर मीनबत्ती कल लेनी चाहिए थी ना, रोशनी कल लेनी चाहिए थी ना, तो उस लड़के ने कहा कि मैं घर पर माचिस नहीं थी, तो उसके टीचर ने कहा कि माचिस तो मंदिर में भी मिल जाती, वहां जाके ले आया होता तो फिर स्टूडेंट ने कहा कि मैं नहाया नहीं था इसलिए मंदिर कैसे जा, तो टीचर ने कहा कि क्यों नहाया होता, तो स्टूडेंट ने कहा कि अरे डोबी पता नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि लाइट चली गई है। ओके चलो तो सबने बहुत ही अच्छे चुटकुले सुनाए है ना, तो अब कोई सुनाना चाहता है? हेलो सबकी टर्न आ गई या किसी की बाकी है अभी? लोही आयशा ने नहीं बताया एक भी चुटकुला। आयशा हेलो, जेदी सानिया ने भी नहीं बताया। मैं बोलू इल्मा। हाँ बताओ। ओके मैम। दुकानदार मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक की नहीं है, महिला महिला
वो सामने वाले ना मैं भूल गई ओके मैम मेरे पास दूसरा है बट वो राबिया ने बोल दिया ओके कोई बात नहीं बेटा तुम फिर से रिपीट कर दो मैम वही लड़की मम्मी पानी दो मम्मी खुद से ले लो लड़की दे दो ना मम्मी मम्मी फिर से मांगा तो एक थपाट पड़ेगी लड़की थपाट मारने आऊंगी तब पानी भी लेके आना ओके चलो तो अब इस लेसन हाँ कौन बेटा मोद देसा हाँ चलो बताओ मैं मेरे पास दो है बताओ एक 19 और 20 का तफावत 2019 मोबाइल रख दे और अभी होमवर्क करने बैठ जा अभी 2020 मोबाइल ले ले और होमवर्क करने बैठ जा और 2020 तो मुंह ढकने में ही चला गया पहले हेलमेट आया फिर मास्क आया अभी ठंडी आई है तो मफलर और जैकेट आया वेरी गुड ओके चलो तो अब इस लेसन के हम क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं बराबर है तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर वन में अभ्यास ने बताया गया है कि सामी को अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए तो हमने अभी सबने सभी स्टूडेंट ने अभी हमें सबको सुनाया बराबर है तो आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है तो उस पैराग्राफ में से हमें मुहावरे ढूंढने हैं तो मुहावरे के नीचे जो हम अंडरलाइन करेंगे या ताकि हमें पता चले इस लेसन में कौन कौन से मुहावरे हैं तो पहला जो है वो है आंखों का तारा इसके बाद है कमर कसके ईद का चांद आस्तीन का सांप बाद में है नजर चुराना और आग बबूला होना तो यहाँ पर हमें कितने तीन और तीन छह सात छह हमें दिए गए हैं तो ये सब हमें यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं इनका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग अब हमें समझना है तो पहले हम इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं तो रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है और इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र हमेशा नंबर वन भी उसके नजदीक था महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था तो उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए तो यहाँ पर हमें छह मुहावरे दिए गए हैं तो ये छह के हमें अर्थ भी समझने हैं और वाक्य प्रयोग भी समझने हैं तो उसमें है नंबर वन आंखों का तारा यानी कि आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा तो गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा था उसके बाद है नंबर दो कमर कसके यानी कमर कसना तो अच्छी तरह से तैयारी करना तैयार होना तो मैं भी अपनी परीक्षा के लिए कमर कस के तैयार हुआ था यानी कि तैयारी की थी उसके बाद है ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों बाद दिखना मिलना
तो आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। इसके बाद है आस्तीन का सांप, यानी कि कपटी मित्र, झूठा मित्र। तो मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। उसके बाद है नजर चुरा के, यानी कि नजर चुराना, तो किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। अपराधी पुलिस की नजर चुरा कर भाग गया। उसके बाद है आग बबूला हो गए, तो आग बबूला होना इसका मतलब है कि बहुत क्रोधित होना। तो नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। तो सबको ये समझ में आ गए बेटा मुहावरे? हेलो गर्ल्स। यस मैम। यस मैम। ओके, तो चलो अब इसके बाद है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। रेखांकित यानी कि जिस जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है उनकी लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। तो उसमें है पहला सेंटेंस, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो दादाजी का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा? दादी जी। बराबर है ना? दादाजी का लिंग परिवर्तन क्या होगा? दादी जी। तो उसका सेंटेंस भी बदल जाएगा, मेरी दादी जी, दादी माँ यात्रा पर गई है। उसके बाद है नंबर दो, एक आदमी ने मुझसे कहा। तो आदमी का लिंग परिवर्तन क्या होता है? औरत। एक औरत ने मुझसे कहा। नंबर तीन, लेखक कहानी लिख रहा है। तो लेखक का लिंग परिवर्तन क्या होगा? लेखिका। तो लेखिका कहानी लिख रही है। नंबर चार, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो मालकिन का लिंग परिवर्तन होगा मालिक। नंबर पांच, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। ये मोर का लिंग परिवर्तन क्या है? मोरनी। तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा था, तो शेर का लिंग परिवर्तन क्या होगा? शेरनी। तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं, तो सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे, तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है, लड़की दुकान के पास खड़ी है। आप सबको समानार्थी शब्द जो मैंने पेपर स्टाइल में लिखाए हैं, तो उसमें आपको शब्दार्थ पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको ऐसा ना लगे कि ऐसे कोई समानार्थी शब्द तो है ही नहीं कि लिखा ही नहीं है, लेकिन आपको समानार्थी शब्द जो है वो शब्दार्थ में से पूछे जाएंगे। ओके बेटा, तो ये लिंग परिवर्तन सबको समझ में आया? हेलो। यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। इसके बाद अब है उदाहरण के अनुसार शब्द का चार चार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें एक शब्द दिया है, उन पर से हमें कितने सेंटेंस बनाने हैं? चार सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला शब्द है घर, तो घर का हमें एग्जाम्पल दिया गया है और घर पर से चार शब्द, चार सेंटेंस बनाए गए हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में घर, तो मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में तीन कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर बाग, नदी, दोस्त, पसंद और कहानी, पांच शब्द दिए गए हैं। तो ये पांचों शब्द पर से हमें सेंटेंस बनाने हैं। बराबर है?
तो आप सबको ये शब्द जो है वो मैं होमवर्क में देती हूँ और आप सबको इन पर से चार चार सेंटेंस बनाकर लेकर आना है। ओके गर्ल्स, समझ में आया? यस मैम। क्या कहा मैंने? यहाँ पर जो पांच शब्द दिए गए हैं उस पर से चार चार सेंटेंस बनाकर हमें लाना है। ओके, समझ में आया? बाकी किसी के बहाने नहीं चलेंगे। और मैं जिसको कुछ उसे बोलना होगा। मैं ये कहूंगी कि ये जो पांच शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, बाग, नदी, यदि आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बेटा अपनी बुक में, बाग, नदी, दोस्त, पसंद और कहानी। तो ये पांचों शब्द पर से। यस बेटा, आप ये ना क्या मैं स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले? हाँ, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट भी। मैम क्या करना है इन पांचों शब्दों से? चार चार सेंटेंस बनाकर लाना है। ओके, सभी शब्द पर से। ओके हाँ मैम, चार चार सेंटेंसेस। समझ में आया सबको? और आगे के जो क्वेश्चन है अभी, ये कहावतें हैं और एमसीक्यूज, ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर है, तो ये सब हम